निर्देशक केन घोष हिंदी सिनेमा जगत के बड़े काबिल डायरेक्टर के रूप में जाने जाते हैं। शाहिद कपूर को बड़े पर्दे का सुपरस्टार बनाने का श्रेय पूरी तरह से केन घोष को जाता है। अब वह एक्टर कुणाल खेमू के लिए जीवन दान देने वाले डायरेक्टर के तौर पे जाने जाते हैं। वेब सीरीज अभय 3 डायरेक्टर केन घोष के लिए खतरे की घंटी बनती नजर आ रही है। तो जी नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां हम फिल्म और वेब सीरीज़ की बातें करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं अभय 3 इस वेब सीरीज़ की। चलिए एक नज़र इस वेब सीरीज़ के मेन कलाकारों के ऊपर डालते हैं। इस वेब सीरीज़ में कुणाल खेमू, विजय राज, राहुल देव, तनुज हिरवानी, निधि अग्रवाल, आशा नेगी और निधि सिंह, इन कलाकारों ने काम किए हैं। केन घोष इस वेब सीरीज़ के लिए निर्देशक के रूप में है और निर्माते हैं जी स्टूडियोज। कथा, पटकथा और संवाद, कुल 5 लोग इस वेब सीरीज के लिए कहानी लिखने का काम कर रहे थे। जो कहानी बनकर आई है वो बहुत ही बेढंगी है। विजय राज के किरदार में कुछ खास नहीं है, कुछ नया आकर्षण नहीं है। राहुल देव से इस वेब सीरीज के लिए बहुत उम्मीदें थी, लेकिन कथा के विस्तार में वो भी एक कहानी का पन्ना बन जाते हैं। निर्देशक केन घोष की इस वेब सीरीज के लिए काबिल कलाकारों का ये हाल है, तो फिर बाकी के कलाकारों से उम्मीद ही क्या करना। अब भाई इस वेब सीरीज के तीसरे सीजन के लिए कुछ दिक्कतें पुरानी है और कुछ नई ओढ़ी हुई है। इन कहानी की बेहतरी के लिए जो कोशिश की गई है वो बहुत जगह फीकी पड़ती नजर आती है। कुछ नया बनाने के चक्कर में लेखक अपने कहानी का मूल आत्मा ही भूल गए हैं। कहानी को आगे पीछे करके चलाने में आनंद तो बहुत है, लेकिन ऐसे मौकों पर खतरे बहुत बढ़ जाते हैं जब आपके कलाकारों का अभिनय का दायरा बहुत ही सीमित हो। जी पाए के निर्माताओं के पास में इस अपराध कथाओं को देसी सत्य कथाओं का चोला पहनाने का मौका पूरी तरह था, लेकिन बिना रिसर्च किए और बिना दर्शकों की भावनाओं का सम्मान किए जो ये वेब सीरीज बनाई गई, इसमें बहुत ही कमियां झलकती नजर आती है। अभिनय के मामले में इस वेब सीरीज के लिए कुणाल खेमू जितना कर सकते थे उतना कर चुके हैं। अब इस वेब सीरीज में कुणाल खेमू के लिए कुछ करने का बचा ही नहीं। एक्टर आशा नेगी और निधि सिंह इस वेब सीरीज में बहुत ही निराश करती है, बहुत ही बोर करती है। विद्या मालवड़े और एलनाज नौरोजी की झलके इस वेब सीरीज के लिए बहुत ही रोचक मोड़ लाती है, लेकिन उनका परिणाम दूरगामी नहीं रहता। इस वेब सीरीज की सिनेमाटोग्राफी बहुत ही बढ़िया है, कैमरा वर्क भी बहुत ही अच्छा है। इस वेब सीरीज के लिए मेरे रेटिंग स्टार है 2 आउट ऑफ 5। जी फाइव के OTT प्लेटफॉर्म पे इस वेब सीरीज को रिलीज होके एक हफ्ते से भी ज़्यादा टाइम हो चुका है। अगर आपको देखना है तो आप वहाँ जाके इसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ बातें, कुछ विचार इस वेब सीरीज के बारे में मेरे थे जो इस वीडियो में मैंने आपसे शेयर किए। कुछ इस वीडियो के बारे में बताना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।